नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे से एफ सी ज्ञान में। मैं हूं निशा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप एक्सिस बैंक से कोई भी मतलब नया अकाउंट खोलना चाहते हैं, अगर आपका एक्सिस बैंक का कोई भी अकाउंट वगैरह है तो आपको बहुत सारे इशू या पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा आपको मतलब जो इशू वगैरह है, दिक्कत, जो भी आपको हेल्प चाहिए एक्सिस बैंक से, या आप लोन वगैरह बैंक से लेना चाहते हैं तो आपको पता नहीं आपके घर के आसपास कहीं पर एक्सिस बैंक है, या आपका कहीं पे आपका एक्सिस बैंक का मतलब खाता में कोई भी गलत फेक इन्फॉर्मेशन आ गया है, तो जो भी आपको हेल्प चाहिए तो आप सिंपली क्या करते हो, एक्सिस बैंक कस्टमर केयर से बातें करना चाहते हो। जो एग्जीक्यूटिव कस्टमर केयर से डायरेक्ट आपको बातें करना चाहते हो तो आप बातें नहीं कर पाते, क्योंकि वो कस्टमर केयर आपका डायरेक्ट कॉलिंग नंबर जो आपके पास नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊँगा जो एक्सिस बैंक डायरेक्ट कस्टमर केयर नंबर जो बताऊँगा, कोई भी फेक या फेक इन्फॉर्मेशन, फेक वीडियो नहीं है, जो नंबर बताऊँगा आपको लाइव कॉल लगा के दिखाऊँगा एक्सिस बैंक से आप कस्टमर केयर से कैसे बातें करेंगे। आपके जिस शहर में रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, आपके घर के आसपास कोई भी बैंक है आपको पता नहीं, तो आप इस कस्टमर केयर से एग्जीक्यूटिव से जैसे बातें करेंगे, वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको हेल्प चाहिए, जानकारी चाहिए, पूरा का पूरा जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन इधर दे देगा वो कॉलिंग से। तो दोस्तों, ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सिंपली आप जैसे लाइक करेंगे लाइक हो जाएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सिंपली सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में जो घंटी का बेल है इसमें दबा के ऑल में रख दीजिए। इसके नीचे एड पब्लिक कॉमेंट का, जैसे भाई लोगों ने कॉमेंट किया, आपको भी एक पैसा कमेंट कर देना एक्सिस बैंक करके, तो एक्सिस बैंक करके जैसे आप कमेंट कर दोगे, ये कमेंट ज़रूर हो जाएगा। और दोस्तों, इस नंबर को पाने के लिए कोई भी ऐप या कोई भी थर्ड पर्सन की आपको मदद नहीं, आपके फ़ोन में जो गूगल या क्रोम है आप ओपन कर लीजिए। तो सिंपली मैं इधर से ओपन कर लिया, करने के बाद तो ध्यान से देखिए आपको इधर क्या सर्च करना पड़े, एक्सिस बैंक, तो आपको इधर से सर्च करना पड़ेगा एक्सिस बैंक कस्टमर। तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, इधर से मैंने कॉल लगाया था, लगाने के बाद आपको गूगल पे भी ये नंबर मिल जाएगा एक्सिस बैंक कस्टमर केयर। तो आपको भी कुछ इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए एक्सिस बैंक कस्टमर केयर, जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहला वाला ये नंबर आपको आपके पास आ जाएगा। तो कभी कभार आपको ये नंबर आ जाता है, लेकिन आप जैसे कॉल लगाते हैं, कॉल लगाने के बाद आपको क्या बोलता है अभी ध्यान से सुनिए क्या बोलेगा। अभी बोल रहा है नंबर अवैध है, तो अब मैं इसी नंबर पर फिर से दोबारा लाइव कॉल लगा के दिखाऊंगा मतलब क्या गलती आप करते हो। फिर से जैसे कॉल लगाऊंगा, लगाने के बाद ये देखिए +91, जो +91 का ऑप्शन है इधर से आप नहीं हटाते, हमें इंडिया कंट्री का, तो अभी +91 में हटा दिया, वही नंबर से फिर से कॉल लगाऊंगा, अभी देखिए क्या बोलेगा। तो अभी मैं इधर से काट कर लूँगा, हिंदी के लिए 1 दबाई, इंग्लिश के लिए 2, जैसे उन्होंने बोला बंगाली के लिए 3 दबाई, आपको भी कुछ इस तरीके से कर लेना है। जैसे लास्ट डिजिट में वो बोलेगा हमारे एग्जीक्यूटिव से बातें करने के लिए 7 या 8 दबाई, तो आपको भी कुछ इस तरीके से सारा मतलब कर लेना है। जैसे आप कर लेंगे, आपका एग्जीक्यूटिव से डायरेक्ट बातें करके हेल्पलाइन नंबर है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए पूरा का पूरा वो दे देगा, तो इस तरीके से आप बातें कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों शेयर कर देना, इस तरह का वीडियो मैं इस चैनल में लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।